नमस्कार, वेलकम टू कुकिंग विद अंकित। मैं सुकृति, मैं आपका कुकिंग को इंस्पायर करने के लिए आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ड्रैगन रोल। ड्रैगन रोल बनाने के लिए मुझे डो बनाना है और डो बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 200 ग्राम मैदा यानी 2 कप, 4 टेबलस्पून ऑयल, 1 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून अजवाइन। मैं ड्रैगन रोल की फिलिंग के लिए यूज़ कर रही हूँ 1 टेबलस्पून श्रेडेड पत्ता गोभी, 1 टेबलस्पून शिमला मिर्च चॉप किया हुआ है, 1 टेबलस्पून फूल गोभी चॉप किया हुआ है, 1 टेबलस्पून बीट रूट, 2 हरी मिर्च, 1 टेबलस्पून गाजर, 1 टीस्पून अदरक लहसुन ग्रेटेड किया हुआ है, 1/2 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून टमाटो सॉस, 1/2 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टेबलस्पून चॉप किया हुआ धनिया पत्ता। और चाहिए 2 बॉयल आलू मीडियम साइज के। ड्रैगन रोल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक प्लेट लिया और उसमें मैंने मैदा को डालूंगी। इसके बाद मैंने सॉल्ट और अजवाइन को ऐड करूंगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब मैंने इसमें ऑयल डालूंगी। मेरा मोइन लगाना हो गया है। देखिए आटा मुट्ठी में आ रहा है, इसका मतलब मेरा मोइन हो गया। अब मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी दूंगी और इसको अच्छी से गूंद लूंगी। गूंदने के टाइम कभी भी एक साथ में ज़्यादा पानी नहीं देना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके पानी देना चाहिए तो उसमें डो अच्छा बनता है। मेरा डो रेडी हो चुका है। अब मैंने इसको कवर करूंगी और 30 मिनट्स के लिए छोड़ दूंगी ताकि ये सेट हो जाए। मैंने आटा को सेट होने के लिए छोड़ दिया। जब तक आटा सेट होता है तब तक मैंने फिलिंग बना रही हूँ। फिलिंग के लिए मैंने एक कढ़ाई लिया और उसको गर्म होने दिया। अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून ऑयल डालूंगी। मेरा तेल गरम हो चुकी है। अब मैंने इसमें ग्रेटेड अदरक लहसुन दूंगी। इसको हल्का सा सौते करूंगी। अदरक लहसुन सौते हो गए हैं। अब मैंने इसमें एक एक करके सारी सब्जियां ऐड करूंगी। मैंने श्रेडेड पत्ता गोभी दिया, चॉप किया हुआ शिमला मिर्च दिया, चॉप किया हुआ फूल गोभी दिया, ग्रेटेड गाजर दिया, ग्रेट किया हुआ बीटरूट दिया, हरी मिर्च दिया और इसको हल्का सा सौते करूंगी। हल्का सा सौती हो गया है। अब मैंने इसमें डालूंगी भुना जीरा हुआ पाउडर, रेड चिली पाउडर, सॉल्ट, आमचूर पाउडर और अच्छे से मिक्स करूंगी। अब मैंने बॉईल किया हुआ आलू को हाथ से स्मैश कर दिया है। इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। आलू मिक्स हो गए। अब मैंने इसमें टोमेटो सॉस ऐड करूंगी। मेरा फिलिंग रेडी हो गए है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पत्ता। अब मैं गैस ऑफ करूंगी और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूंगी। मैंने जो फिलिंग्स बनाया था वो ठंड हो चुकी है। अब इसको मैंने प्लेट में उठा के रखूंगी। थर्टी मिनट्स हो गए, मेरा आटा सेट हो गया है।
अब मैंने इसको अच्छे से और एक बार मिक्स करूंगी और इसी डो से छोटा छोटा गोला बना लूंगी। अब मैं इस गोला को हाथ में लूंगी और अपने हाथ के द्वारा इसको अच्छे से लोई बना लूंगी। मैं ऐसे सारे पोर्शन को लेके लोइया बनाऊंगी। मैंने सारे लोइया बना चुकी हूँ, अब मुझे रोल बनाना है। मैंने सारे लोइया ऐसे बना लिया है, अब मैंने इसको आटे में थोड़ा सा डस्ट करूंगी और पूरी की साइज में बेलूंगी। मैंने इसे पूरी की शेप में बना लिया। अब जो स्टफिंग है उसको मैंने बीच में रखूंगी। थोड़ा सा हाथ में पानी लगाऊंगी और चारों तरफ ऐसे पानी से ब्रश करूंगी। अब मैंने सबसे पहले ऊपर वाला पोर्शन को फोल्ड करूंगी, फिर नीचे वाला पोर्शन को फोल्ड करूंगी, फिर साइड वाला पोर्शन को फोल्ड करूंगी। ऐसे ही बनेगा। अब मैंने इसको रख रही हूँ और मैं सारे लोइयों के साथ ऐसे ही स्टफ फिल करूंगी। मैंने सारे रोल को ऐसे ही बना लिया है, अब मैंने इसको फ्राई करूंगी। फ्राई करने के लिए मुझे गुनगुना ऑयल चाहिए। मेरा कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अब मैंने इसमें ऑयल डालूंगी। मेरा जो तेल है वो गुनगुना गर्म हो चुका है, अब मैंने ये रोल को सूजी में रैप करूंगी और तलने के लिए छोड़ूंगी। एक साथ में कढ़ाई में जितना आ जाए आप उतना फ्राई कर सकते हैं। हमारा जो गैस है वो स्लो होना चाहिए। देखिए रोल की एक साइड फ्राई हो चुका है, अब मैंने इसको पलट दूंगी। ऐसे ही मुझे दूसरा जो साइड है उसको भी ब्राउन करना है। मेरा ड्रैगन रोल फ्राई हो चुका है, अब मुझे एक प्लेट में इसको उठाना है। ऐसे ही मैंने बाकी सारे ड्रैगन रोल्स को फ्राई करूंगी। मैंने सारे ड्रैगन रोल को फ्राई कर लिया है और मैंने ड्रैगन रोल को दही के चटनी के साथ सर्व करूंगी। आइए देखते हैं दही के चटनी मैं कैसे बनाऊंगी। दही के चटनी बनाने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ 2 टेबलस्पून दही, 1/4 कप रोस्टेड मूंगफली जिसको मैंने दरा दरा पीस लिया है, 1/2 टीस्पून शुगर पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक, 2 हरी मिर्ची, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 कप चॉप किया हुआ धनिया पत्ती। मैंने एक मिक्सी जार लिया और उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करूंगी और इसको पीस लूंगी। मेरा दही की चटनी बन गया है, देखिए। मैंने ड्रैगन रोल बना लिया है, आप इसको घर पे बनाइए और एंजॉय कीजिए। मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।